गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भजन लाल। आज हम स्टेप बाय स्टेप बुक के पेज नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 4 टॉपिक है पेंसिल शेडिंग। प्यारे बच्चों, जैसे पेज नंबर 3 हमने किया था, उसमें भी एक लाइट थी, लाइट की जो लाइट रिफ्लेक्शन था उसमें भी हमने एक शेडिंग की थी, पेंसिल शेडिंग। और आज हम जो करेंगे पेंसिल शेडिंग, इसमें डिफरेंट ये है कि पेंसिल सॉरी लाइट हमारी इस साइड से आई थी और आज लाइट रिफ्लेक्शन उसके अपोजिट है। तो आइए देखिए, आज हम सीखेंगे पेंसिल शेडिंग। ड्रॉ एनी टू फिगर, गिव इन द बॉर्डर एंड शेड दिस अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, जो लाइट रिफ्लेक्शन है, देखिए कैसे लाइट और डार्क, इसमें जो ऑब्जेक्ट दिए हैं उनसे क्या रिफ्लेक्शन है उसमें देखिए। सबसे पहले हमारे पास एक शेप है, दो जो ये शेप है, इसमें अगर लाइट इस डायरेक्शन से आती है तो ये जो टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। टॉप व्यू बिल्कुल लाइट कलर का दिखाई देगा और ये देखिए ये डार्क और ये शेडो उसकी। ऐसे ही जो ये मेरे पास शेप है, देखिए इसके अंदर भी ऐसे ही है। ये जो इसका टॉप व्यू है, यहाँ पे लाइट है और फ्रंट पे डार्क है और ये इसकी शेडो है। तो जैसे बुक में पेज नंबर 4 है, ठीक ऐसे ही है। तो आइए हम सीखते हैं बुक पेज नंबर 4। यहाँ पे कोई भी दो फिगर बनाएंगे बेटा। यहाँ पे हम, जैसे मैं आपको एक, पहले हम बनाते हैं एक सिलेंडर शेप। तो देखिए ये जो हमारे ये शेप थी, ये हमने ड्रॉ कर दी है और ये है, ये भी हमने ड्रॉ कर दी है। अब लाइट रिफ्लेक्शन जो है ऐसे है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। जो इसका लाइट रिफ्लेक्शन है, ये ऊपर से बिल्कुल लाइट है तो इसको हम लाइट रखेंगे, ये हिस्सा इसका डार्क है तो हम इसको डार्क करेंगे, और इसकी जो शेडो है देखिए वो इस एंगल में है और इसकी लास्ट में हम बैकग्राउंड के लिए
इसको पीछे लाइन लगाएंगे यहाँ पे हाफ में, ये इसका बैकग्राउंड हो चुका है और ये इसका नीचे बेस। तो सबसे पहले हम जो अब शेडिंग करेंगे, यहाँ पे शेडिंग के लिए हम डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा 10B पेंसिल। तो शेडिंग के लिए ऐसे आपने पेंसिल को पकड़ना है, और ये है इसकी शेडो, ये भी डार्क। इसके बाद हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल लाइट शेड है और ये डार्क है, और उसके साइड में जो है ये वाली साइड, ये भी लाइट दिखाई देगी। तो हम शेडिंग पेंसिल लेंगे वही अपस्केल भी यूज़ कर सकते हैं इसे शेडिंग के लिए। इसके बाद शेडो, अगर हमारी पेंसिल शेड कहीं से बाहर चली गई तो उसको इरेज कर देंगे हम इरेजर की हेल्प से। देखिए तो पेज नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो चुका है। प्यारे बच्चों, आई होप सभी बच्चों को पेंसिल शेडिंग जो हमने की है, लाइट रिफ्लेक्शन जो इसका है, वो अच्छे से समझ में आ गया। और आज के लिए सभी बच्चे पेज नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, थैंक यू।